हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक कुमार प्ले में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक व्हाट्सएप की बिग अपडेट के बारे में, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ही बैड न्यूज़ है जो लोग फॉरवर्ड करते थे मैसेजेस बहुत लोगों को। तो अगर आपने अभी अभी अपने व्हाट्सएप का अपडेट किया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ लाता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और मेरा एक और चैनल है कॉमेडी का, उसे भी ज़रूर विज़िट करिए, कुमार आर एस प्ले के नाम से है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो व्हाट्सएप की तरफ से अभी अभी मतलब पिछले ही हफ्ते उन्होंने अपडेट दिया है कि अब आप फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेजेस को सिर्फ 5 चैट्स में। मतलब इंडिया में 5 चैट्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली 20 चैट में आप शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेजेस को या पिक्चर्स को या वीडियो को। इंडिया में 5 चैट्स को इसलिए रेस्ट्रिक्ट 5 चैट तक इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा मिसलीडिंग प्लेटफॉर्म है फेक न्यूज़ के बारे में, और व्हाट्सएप कोशिश यही कर रहा है कि जितना कम हम कर सकें फेक न्यूज़ को। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर कुछ स्टेप्स लिए थे, इसलिए व्हाट्सएप ने इंडिया में 5 चैट्स तक लिमिट लगाया है और ग्लोबली आप 20 चैट्स तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर तो इंडिया में ही रहते हैं, तो आप 5 चैट को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने मैसेजेस, वीडियोज़ और पिक्चर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा बैड अपडेट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पूरी आर्टिकल पढ़नी है व्हाट्सएप ने अपने इस 5 चैट्स के अपडेट में क्या कहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दिया है जहाँ पर कि आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ने क्या अपडेट दिया है अपने फॉरवर्डेड मैसेज फॉरवर्ड करने के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करिएगा। थैंक्स।